सुबह भी रोड पर पैदल चला है और अभी भी पैदल चला रहा है। घोड़े के पैर है कि चले ही जाएंगे आंदोलन करने थोड़े ना जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के बेहतर जीवन के लिए किया गया था झील का निर्माण, तब शुरू हुआ था जब लूड़ी नदी के शैतान लोगों के पीछे जान दो, बाद बताएंगे नेक्स्ट टाइम। भाई अन्ना सागर है, यहाँ पे बताया जाता है की जिसको भूत पली दिया कुछ चुड़ैलन वगैरह। ये मिल गई बस, ये का बस स्टैंड निकलते हैं अपन। क्या हाल है भाई? Much later. फाइनली बस से उतर के अजमेर आ गए। क्या नाम है? आना सागर तालाब। भाई इसका थोड़ा सा बताओ ना। ये आना सागर है। हाँ। ये बहुत ही शैतान लोगों के पीछे जान दो, बाद बताएंगे नेक्स्ट टाइम। भाई आना सागर है, यहाँ पे बताया जाता है कि जिसको भूत पली दिया कुछ चुड़ैलन वगैरह लग जाती है, इसके पानी में स्नान कर ले तो उसको फायदा हो जाता है। और इसमें काफी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो इसमें अभी नहाना प्रतिबंध कर दिया है। मछलियाँ इतनी है कि इसमें इंसान जाता है तो उसको खा लेती, बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए इसमें नहाना बैन कर दिया है। बाकी ये पहले बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ था भाई? इसका निर्माण ऐसे होता है, एक वीराना किसी को बुरी आत्माओं का साया, जैसे कोई हवा का चक्कर होता है तो इस आना सागर का पानी पिला दो और इसमें स्नान करा दो, ऐसा मान्यता है यहाँ की। और इसका निर्माण कैसे हुआ था इसकी जानकारी लेते हैं अपन भाई से। भाई अपन यहाँ का पानी भर रहे हैं, ये गेट लगा दिया और यहाँ तो नहा सकते थे ना, मछलियाँ हैं ना। हाँ क्या, तो इतनी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी मछली है कि पूरी कश्ती को खा लिया है, इस पर खाना प्रतिबंध कर दिया। तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ ये बताओ आप। इसका निर्माण बताओ कैसे हुआ। अगले की चरण में ख्वाजा चिश्ती जी, जैसे वो मुन्ना भाई बताओ। हाँ भाई आप बताओ। ख्वाजे दल वली अरे यार तुम्हें पूरा वो याद है, सिखाया अपन गूगल पे सर्च किया, पता है, बताना नहीं चाहते भाई। मैं बताता हूँ एक मिनट। इस झील को लेके सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो जैसे झील बढ़िया है, कन्फर्म कहा नहीं जा सकता, गूगल बता रहा है कि बता दे कि आणा जी चौहान द्वारा 1133 ईस्वी में के बीच की गई थी। इस झील का निर्माण यहाँ के लोगों के बेहतर जीवन के लिए किया गया था। इस झील का निर्माण तब शुरू हुआ था जब लूड़ी नदी के पार एक बांध बनाया गया था बस। और कुछ मान्यताओं के अनुसार जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, गरीब ख्वाजा नवाब चिश्ती जी की, उनके पोते ने किसी कारणवश यहाँ एड़ी अपनी पैर रगड़ा था तो ये तालाब की उत्पत्ति हुई थी। तो आप समझते हैं क्या सही है क्या नहीं। बाकी उधर जाना था, यहाँ गेट बंद है, वहाँ जा नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं टाइम पास कर चले। आने का कोई मतलब नहीं हुआ, सीधे वहाँ दरगाह चलते हैं और फिर फ्री होके खाना खा के स्टेशन। हाय चल चल के ऐसी तैसी हो गई, गर्मी तो इतनी है कि पूछो मत। टेम्पू वाले 50 रुपये मांग रहे हैं सिर्फ 1 किलोमीटर दूर छोड़ने के। अब एक इंसान के 50 रुपये कौन देगा, हम 6 लोग हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं है, हमने सोचा पैदल ही चल लेते हैं, सीधा सीधा पहुंच जाएंगे अभी। आप देखे हैं क्या सीधा सीधा है ना, आए थे अपन वहीं से। अच्छा, पर गर्मी इतनी गर्मी, राजस्थान वाले लोग कैसे रहते होंगे यार, पता होता तो आते ही नहीं, सोचा था बारिश का टाइम में सही होगा। राजस्थान कभी आओ तो सर्दियों में आओ, गर्मी में नहीं जलती। दो दो का ग्रुप डिवाइड कर लिया, दो वो जा रहे, दो ये जा रहे, दो हम जा रहे। हाँ भाई फरमाइए। सुबह भी रोड पे पैदल चला है और अभी भी पैदल चला रहा है। घोड़े के पैर है कि चले ही जाएंगे, चले ही जाएंगे।
चले ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, आंदोलन करने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे यार 10 रुपए नहीं, इस बार 20 रुपए ले रहा है वो। भूखा लग रहा है, भूखा लग रहा है। कल ट्रेन में 10 रुपए का खाना खिला दिया थोड़ा सा, और उसकी बहन का तो बोल दिया कि ये लो पेट भर के खाना। उसमें 2 पूड़ी की बहन को चावल, 1 रोटी, सुबह से पैदल चला रहा है चल चल के, और बोल रहा है बहन को रोटी ना दिखाओगे तुम। बस ये थी रोहित की मुंहजुबानी कहानी। रात को बहन को ट्रेन में एक वो पराठों का गिला दी, बहन को पेट भरा था जैसे भाई। अब जाके टेम्पो मिला, सारे के सारे लड़के भाई को गालियां दे रहे हैं क्योंकि पैदल चले चला के सबकी ट्रेन का स्टेमिना चाहता है, स्टेमिना नहीं है। चलो अब पहुंचने वाले हैं अपन दरगाह, उनकी दरगाह घूमते फिर निकलते हैं हम। ये रास्ता जाता दरगाह पे, गर्मी बहुत है यार, पर बढ़िया मार्केट लगता है। पहली बार आना हो रहा है अपना, पहुंच के समझते हैं अपन। एचओएल अजमेर सिटी, रियल लाजी पूरा चौक जैसा बना हुआ है अपने भोपाल की यार, बहुत भीड़ है। अच्छा गुजराती और पंजाबी, दरगाह बाद में जाएंगे, अभी सडनली प्लान चेंज हुआ, पहले खाना खाते हैं। साथ में बहुत हो गई, अभी अपन चूज कर रहे हैं क्या खाना है। मुझे ना ये अरे वो रोहित नॉर्मल ये 150 वाली चाहिए, 50 रुपये की एक का लाइन, मतलब 200 का पक्का हो रहा है। फाइनली खाना मिल गया, फाइनली 2 दिन में हमको खाना मिल रहा है, कोई चेंज नहीं आया, मिला नहीं। नहीं यार और गया यार, हमने वाले 5-5 तो अभी था और कितनी केयर कर रहे पता नहीं, वही चिल्ला जो देखे वही। अब वो एक आया दूसरा गायब होगा, आने के लिए यहाँ बैठे हैं, फोन चार्ज करना है भाई, चार्जर ढूंढते फिर रहा हूँ। खाना खा के फिर मिलते हैं, खाना आ रहा है, खाना आने के बाद फिर दरगाह चलते हैं, फोन के बाद कैसा खाना, टेस्ट नहीं करा दोनों भाई, जितना कहाँ पर हाँ, लेकिन खाने में भी टेस्ट तो